सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मसाज ऑयल के बारे में, और ये है आपका ओलेमेजा, और ये जो है मैनारिनी इंडिया कंपनी वालों का है। तो इसके क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना होता है और क्या रिजल्ट है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो ओलेमेजा बेबी मसाज ऑयल है, तो ये ऐसा नहीं कि बेबी लोग ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं की मसाज कर सकते हैं। ये बड़े लोगों के लिए भी जो है काम में आता है आपका ओलेमेजा मसाज ऑयल। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आप 100 ml की ये बॉटल लेते हो तो ये आपको 115 रुपये में मिलेगी। हालांकि इसका पहले का प्राइस था 100 रुपीज़, लेकिन अभी जो है 5 रुपये इसमें इंक्रीज हो गया है। तो समय के अनुसार जो है प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, हालांकि बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं है। और अगर आप इससे बड़ी बॉटल लेते हो 200 ml की, तो ये आपको 208 रुपये में मिलेगी। तो इसको खरीदना कहाँ से है? तो देखिए, जो भी लोकल मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आपको ये जो है इजीली मिल जाएगा, या फिर जो है आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है घर बैठे बैठे अमेजोन से डिस्काउंट के साथ इसको मंगा सकते हो। तो चलिए इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसमें जो मेन मेन इंग्रेडिएंट हैं वो क्या हैं। तो देखिए, इसमें आर्चिस तेल है, जिसको आप मूंगफली का तेल भी बोलते हो। इसके अलावा इसमें सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे जो नेचुरल ऑयल हैं ये इसमें मिक्स हैं, और इससे बनाया गया जो है ये तेल है। मतलब कोई भी इसमें आर्टिफिशियल तेल नहीं है। तो इधर हम इसके फायदे के बारे में बात करें, तो देखिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑयल होता है ये ओलेमेजा बेबी मसाज ऑयल। तो देखिए, बच्चों की क्या होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, तो हर बच्चे को हर कोई सा ऑयल जो है सूट नहीं करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑयल बच्चों की जो मालिश जिससे करते हैं वो यूज़ करते हैं, तो कई बार रेसेस आ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, फुंसी टाइप हो जाता है। इस प्रकार से कई ऐसे ऑयल हैं जो कि बच्चों को सूट नहीं करते हैं। तो ये वाला ऑयल मेनली बनाया गया है अगर बच्चे की काफ़ी अगर सेंसिटिव स्किन है, या फिर सेंसिटिव स्किन नहीं भी है तो काफ़ी अच्छा होता है ये ओलेमेजा ऑयल। तो देखिए, ये ऑयल लगाते हो आप तो इससे, तो देखिए एक तो फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम चांस होते हैं इस तेल के, और इसके अलावा स्किन जो होती काफ़ी स्मूथ कर देता है बच्चों की, और काफ़ी नरिश जो है स्किन कर देता है, और जो बच्चों की ग्रोथ होती है बहुत सही तरीके से जो है ग्रोथ में हेल्प करता है ये ऑयल। इसके अलावा फ्री रेडिकल जो डैमेज होते हैं उनसे भी बचाता है, क्योंकि एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है, इसमें विटामिन ई भी है, और ये जो है बच्चों की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है। और जो बच्चों का वाटर लॉस होता है, जो स्किन से वाटर लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो लेयर होती है स्किन की, तो उससे वाटर का लॉस, पानी का जो लॉस है वो भी नहीं होने देता है, स्किन हाइड्रेट भी रहती है और मॉइस्चर भी जो है बरकरार रहता है। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है, अगर हम अच्छे तेल से मालिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का काम भी करता है मसाज ऑयल। इसके अलावा अच्छी नींद आती है अगर बच्चे की आप इस ऑयल से जो है मसाज करोगे तो काफ़ी अच्छी नींद आती है, और जैसा कि मैंने बताया मॉइस्चर तो स्किन में बना रहता है, काफ़ी देर तक बना रहता है, और स्किन को प्रोटेक्शन भी देता है, और अच्छी तरीके से ये ऑयल जो है स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ई है। तो भाई, ये ऑयल बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑयल है, और डॉक्टर भी इसको आजकल रिकमेंड कर रहे हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि स्किन वाले डॉक्टर होते हैं। अब इसको देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो जनरली जैसे ऑयल आप अप्लाई करते हो वैसे इसकी मसाज करना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि मसाज करने के बाद बच्चों को नहला देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई नहाने के बाद अगर आप जो है इस ऑयल को लगाओगे तो काफ़ी देर तक अगर ये बॉडी में लगा रहेगा तो अच्छा खासा जो इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नहाने के बाद जो है ऑयल तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है 1 से 2 बार तक मसाज कर सकते हो एक दिन में, अगर बच्चों की मसाज करनी है तो इसको जो है बड़े लोग भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों की जो है स्किन सेंसिटिव होती है, जैसे कि मैंने बताया, भले ही वो एडल्ट पर्सन है या बड़ा बच्चा है, लेकिन स्किन सेंसिटिव है तो कोई भी ऑयल जो सूट नहीं करता, लेकिन ये ऑयल जो है सूट कर जाएगा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बच्चे बड़े सभी जो है इसे मसाज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये मसाज ऑयल है। तो जैसे कि बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं कि हम यूज़ भी करते हैं लेकिन ड्राई स्किन रहती है, और इसके अलावा मैंने देखा कई लोग नारियल तेल यूज़ करते हैं तो कई लोगों को नारियल तेल भी सूट नहीं करता है, और कई लोग जो बच्चे होते हैं ना उनको उनके सर पे नारियल तेल लगाते हैं, तो कई बार कई बच्चों को नारियल का तेल देखना आप सूट नहीं करता सर पर, जिस कारण जो है रूसी हो जाती है। तो कई डॉक्टर फिर मना करते हैं कि भाई नारियल का तेल जो है सर पर यूज ना करें, ये ओलेमेजा ऑयल यूज करें। तो इधर आपको समझ में आ गया होगा इस ऑयल के बारे में। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे बच्चों में से किसी बच्चे को कुछ रैशेस टाइप का हो जाता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा लगता है, तो आप इस ऑयल को लगाना बंद कर सकते हो। देखिए, हर किसी को हर कुछ जो है सूट नहीं करता, ये आपको पता होगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, ये ऑयल के साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए।
तो इधर आपको समझ में आ गया होगा और एक हफ्ते लगा के देखिए, एक ही हफ्ते में आपको फायदा नजर आ जाएगा इस ऑयल के बारे में। तो मेरा वीडियो देरी खत्म होता है, लेकिन अभी को डाउट है इस ऑयल को लेकर, तो आप जो है कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।